ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯೊಂದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ आज गांव का व्यक्ति भी कहता है साहब फोर लेन रोड बनाइए ना पावर रोड बनाइए ना एस्पिरेशंस बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं और इसलिए मैं देख रहा हूं विकास यही एक मुद्दा है विकास यही एक आकांक्षा है और विकास के लिए ही देश का मतदाता कमिटेड है बहुत जो लोगों को यही चीजें ज़्यादा अच्छी लगती है लेकिन गोल अगर बातें करते तो नहीं लगता है आपको उनको स्पेसिफिक कहना पड़ता है कि देखिए ये होने से ऐसे ऐसे होगा तो बिल्कुल उसका उसका इन्वॉल्वमेंट होता है और फिर आप अगर छः आठ घंटे के बाद गांव में जाएंगे तो गांव के अंदर चौहरा पर इसी विषय की चर्चा होती रहती है मैं एक तो खुद बहुत रूट लेवल पर जुड़ा हुआ हूँ फिर मैं हर चीज़ का एनालिसिस करता भी हूँ करवाता भी हूँ और मैं सब प्रकार के मेरे इन्फॉर्मेशन चैनल बहुत है मैं कोई अखबार पढ़ के पता नहीं लगता मुझे कि क्या चल रहा है और लाइव रहता है मेरा सब चीज़ों से और उसके कारण मुझे जानकारियाँ सही ढंग की दूसरा मुझे अच्छा लगे ऐसा बताने का मेरे यहाँ कोई परंपरा नहीं है जो अच्छा है जो सही है उसी को बताना यहाँ तक सम्मिलित हो जा रहा था नहीं बुरा है तो भी बताना उतने ही अच्छे ढंग से बताना यानी हर प्रकार की इंफॉर्मेशन मेरे यहाँ फिल्टर हुए भी ना आती है मैं बड़ा वय एक अनुभव बताता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग है सीएजी का रिपोर्ट आता है ना एक दिन पॉजिटिव नेगेटिव जो भी पब्लिसिटी होती है और फिर वो चला जाता है अलमारी में पहुंच जाता है ना मीडिया को फुर्सत होती है ना ऑपोजिशन को फुर्सत होती है न रूलिंग पार्टी को मैं जब गुजरात में था तो सीएजी रिपोर्ट आने के बाद जो अखबारों में जो भी टिपा टिप्पणी होनी हो जाती थी लेकिन मैं डिपार्टमेंट को फिर से काम देता था कि मुझे बताइए सीएजी का ये रिपोर्ट है मुझे उसको ठीक करके लाओ जहां कमियां हैं उसकी पूरी करो गलतियां हुई है उसको ठीक करो दोषी हैं उनको जरा नोटिस करो तो मैं उसका फॉलो अप करता था mm -hmm. मैं सीएजी रिपोर्ट को मेरी अपना एक आलिस चुना मानता था मेरे लिए सामने दर्पण के रूप में देखता था मैं सीएजी की आलोचना नहीं करता था दूसरा मेरे यहाँ हाउस में जब हा। डिबेट होती थी तो प्रश्न पूछते थे अपोजिशन कुछ कहता था गुजरात में गुजरात में विधानसभा में तो पॉलिटिकल जो जवाब देने होते वो तो हम देखते थे क्योंकि आज के मीडिया के युग में दूसरे दिन क्या छपेगा वो डिपेंड करता है